राधे राधे भगवान जी। हमारे आगे एक टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। हम खुश रहना चाहते हैं या दुखी। अब खुश रहने के लिए हमारे लिए भगवान वो परिस्थिति क्रिएट करें कि हम खुश रहें। एक, भगवान हमारे लिए वो परिस्थिति क्रिएट करें कि हम खुश रहें। एक दूसरा, जो भी परिस्थिति है मैंने ये निर्णय किया है कि मैं खुश रहूँगा, ठीक है, ये मेरा निर्णय है कि मैं खुश रहूँगा। कौन सा ज़्यादा आसान है? भगवान मेरे लिए वो परिस्थिति क्रिएट करें कि मैं खुश हो पाऊँ। दूसरा है, मैं हर हाल में, मैं हर परिस्थिति में खुश रहूँगा, मैं हर समय खुश रहूँगा, ये मैंने निश्चय किया। कौन सा आसान है? सेकंड वाला। एक और बात है, हु डिसाइड्स वेदर यू शैल बी हैप्पी और अनहैप्पी। कौन डिसाइड करेगा, कौन निर्णय करेगा कि आप खुश रहो या नहीं रहो, दुखी रहो, ये कौन निर्णय करेगा? हम खुद डिसाइड करेंगे ना। एक बार टेलीविज़न पर एक थोड़े बुज़ुर्ग आदमी आए, उनका इंटरव्यू हो रहा था और वो बहुत खुश नज़र आ रहे थे। कुछ भी कह रहे थे तो बहुत खुश होकर कह रहे थे, बहुत चार्मिंग एकदम एटीट्यूड से थे। और बीच बीच में उन्होंने कई बार ऑडियंस को हंसाया, ऑडियंस बैठी होती है ना टीवी प्रोग्राम में, कई बार उन्होंने हंसाया। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा, आप इतने खुश कैसे हैं? ज़रूर कोई सीक्रेट होगा, ज़रूर कोई बात होगी कि आप इतने खुश हैं, वो बात हमारे साथ आप शेयर करिए, बताइए क्या बात है। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने कहा, नहीं ऐसे कुछ भी सीक्रेट नहीं है, ये बहुत सिंपल है, जैसे आपके फेस पर आँख लगी है ऐसे मैं खुश रहता हूँ हर समय, इतना सहज है मेरे लिए। बोले, हैं ऐसे कैसे, हर आदमी दुखी है, हर आदमी परेशान है, आप कैसे कह रहे हैं कि मैं इतना खुश रहता हूँ, इतना सहज है मेरे लिए जैसे चेहरे पर आँख लगी है, इतना सिंपल, इतना सहज। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति कहता है, देखिए जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे आगे दो चॉइस होती हैं, आज के दिन मैं खुश रहूँगा या बात बात पर परेशान हो जाऊँगा, दुखी हो जाऊँगा, चिढ़ जाऊँगा, रूठ जाऊँगा, दुखी हो जाऊँगा, दोनों चॉइस होती हैं, या तो मैं खुश रहूँ या मैं बात बात पे चिढ़ूँ, कुड़ूँ, नाराज़ हूँ, परेशान हूँ, दुखी हूँ, चिड़चिड़ाऊँ, गाली ताना मारूं, बुरी तरह बोलूं, मेरे हाथ में है। क्या हम सभी के हाथ में ये चीज़ नहीं है? सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे हाथ में दोनों चीज़ होती है, आज के दिन हम खुश रहेंगे या आज के दिन हम दुखी रहेंगे, यह हमारी चॉइस होती है। तो उन व्यक्ति ने कहा, आपको पता है मैं क्या चूज़ करता हूँ, मैं दोनों चीज़ों में से क्या चूज़ करता हूँ, आई जस्ट चूज़ टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना पसंद करता हूँ, मैं अपने से कहता हूँ आज के दिन मैं खुश रहूँगा। अब देखो, एक दिन में जादू नहीं हो जाएगा, कल सुबह जब हम उठेंगे तो हम सब सोचेंगे आज के दिन हम खुश रहेंगे, और उधर मम्मी ने कुछ ज़ोर से आवाज़ लगाई और हम एकदम चिड़चिड़ा के पैर पटकते हुए उठे गुस्से में, गई हमारी खुशी उसी समय। जितनी बातें हम लोग में बार बार, इसीलिए याद दिलाता हूँ तुम लोगों को, एक दिन में जादू नहीं होगा, ये चीज़ें विचार करने की होती हैं, और समय समय पर जब परिस्थिति आती है जीवन में तो हमारे हमको ये बातें याद आती हैं। कोई परेशानी का कारण आया, अरे मेरे आगे दो चॉइस हैं, खुश रहूँ या परेशान हो जाऊँ, मैं नहीं होता परेशान, मैं तो खुश रहूँगा। हमने कहा तो याद तो आई बात,
उसके बाद परेशानी भी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम बार बार अपने से रिपीट करेंगे, भगवान है ना, भगवान है ना। इस संसार का स्वामी कौन है? हम, तुम, कौन? बताओ कौन, हाथ खड़ा करो, कौन है इस संसार का स्वामी? भगवान। अब जब भगवान मेरे साथ हैं, भगवान है मौजूद, तो मुझे किस बात की परेशानी होनी चाहिए? क्यों परेशान होना चाहिए मुझे? भगवान है ना, वो जाने ना, वो देखे ना। लेकिन मन मानता नहीं है, बार बार कहेगा नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। मन परेशान होता है बार बार, मन की आदत है। तो हमें बार बार बताना पड़ेगा नहीं, इस संसार के स्वामी भगवान है, हमें दुखी परेशान नहीं होना है। आई चूज टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना चूज करता हूँ, पसंद करता हूँ, मैं खुश रहना चुनता हूँ, मैं दुखी नहीं होना चाहता। हम खुश रहना चूज करते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम दुखी रहना चूज करते हैं, ये हमारे हाथ में है, चॉइस हमारी है। अब इंटरव्यू करने वाले ने ये पूछा उनसे, हो सकता है आप इस समय पोज कर रहे हों? जब इंटरव्यू देने को टीवी पर आता है तो वो इतना खुश होता है वैसे ही कि वो बबलिंग विद जॉय कहते हैं ना, खुशी के मारे उछल रहा होता है। तो हम क्या ऐसा नहीं सोच सकते कि आप इस समय ऐसा पोज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं? तो कहते हैं नहीं, मैंने ज़िंदगी के शुरू में बहुत समय पहले ये निर्णय कर लिया था कि मैं सदा खुश रहा करूँगा, उसके लिए मैंने आदत डाली, उसके लिए मैंने आदत डाली। समय समय पर दुख के कारण आते हैं, परेशानियों के कारण आते हैं, लेकिन मैं उसमें भी प्रयास करता था कि मैं खुश रहूं। ये मैंने आदत बनाई, और इस आदत के बनाने में कई साल लग जाते हैं। तो आप लोग अभी बहुत छोटे हो, आदत बनाओगे, आराम से बना लोगे और जीवन में खुश रहोगे। तो मैं अपने से कहता हूँ, सब कुछ ठीक है, जीवन बहुत अच्छा है, भगवान इसके स्वामी हैं, मैं खुशी को चुनता हूँ और चीज़ें बहुत नाइसली, बहुत अच्छे से हो रही हैं। हर समय मेरे मन का हो ऐसा नहीं होता है, तो जो हो रहा होता है मैं सोचता हूँ ये बहुत अच्छे से हो रहा है, मैं क्यों अपनी अकल लगाऊँ कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अच्छा हाँ, इसी बात पे देखो, कोई व्यक्ति दिखा हमको, हम जानते हैं उसके बारे में, अरे ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा। अच्छा फिर क्या करें? हमने अपना मन खराब कर लिया ना किसी के बारे में सोचकर। तुम्हारी कोई भी क्लासमेट होगी, कोई टीचर, कोई तुम जहाँ जहाँ रहते हो वहाँ वहाँ एरिया में लोग होंगे जो तुमको मालूम है ये ऐसे हैं, ठीक। अच्छा अब उनके बारे में सोचकर तुमको खुशी मिलेगी, क्या मिलेगा? मन खराब होता है, बकवास है ना, दिमाग चिड़चिड़ा सा। अच्छा हम क्या चाहते हैं? खुश रहना। तो फिर उन लोगों को देख करके हम अपने मन को क्यों चलाएं? तो हम अपने मन से कहेंगे अरे नहीं, अपनी जगह सब ठीक है, हमें क्या लेना देना, हटाओ यार, इग्नोर कर यार, इग्नोर कर। ये आदत बनानी पड़ेगी। मन बार बार, मन मक्खी की तरह है, गुरु कहते हैं, कचरे पर ही जाकर बैठता है, गंदगी पर ही जाकर बैठता है, ये मन की आदत होती है। किसी में कमी देखेगा, उस कमी को देखेगा, अच्छाई को कभी नहीं देखेगा। अगर दो चीज़ें सामने आ रही होंगी एक आदमी की, अच्छाई भी आ रही होगी, बुराई भी, बुराई देखेगा, बुराई पकड़ लेगा, बुराई करने लगेगा। आदत होती है, ह्यूमन नेचर होता है। तो इसको सुधारना पड़ता है, इसको हमको चेंज करना पड़ता है। हमारी खुशी किस में है? किसी को बुरा करके देखने में या किसी को अच्छा करके देखने में? खुशी कब आएगी? अच्छाई देखकर खुशी आती है ना। खूबसूरत बगीचा हो उसको देखकर खुश हो गए, या जंगली घास हो रही है वो भी सूख गई है देखो ना। तो हम किसी की बुराई देखें, किसी के अवगुण देखें, हमें क्या मिलता है? आप बोलोगे हमसे नहीं देखी जाती अच्छाई, दम लगता है। तो मत देखो, कोई बात नहीं, बुराई भी मत देखो। फिर आप समता में आ जाओ, आप और ऊंची स्थिति में चले जाओगे, अच्छाई देखने वाले से भी ऊपर चले जाओगे आप। क्योंकि अच्छाई देखने वाला भी कब तक देखेगा, कुछ ना कुछ बुरा देख लेता है ना। अच्छाई देखो ना बुराई देखो, अरे यार सेल्फ में रहो, अपने में रहो, अपने खुश रहो। तो आई चूज हैप्पीनेस।
एंड यू कैन बी क्वाइट सर्टेन ऑफ हैविंग योर चॉइस, आप क्या चुनते हो ये आपके हाथ है। बच्चे खुश रहना बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटे बच्चे जो मतलब एक तो बहुत छोटे बच्चे खुश रहते हैं और कुछ समझदार बच्चे भी खुश रहते हैं। एक बार की बात है, अब ये ऑथर लिख रहे हैं, लेखक जो हैं किताब के लिख रहे हैं, एक बार मेरा कहीं पर लेक्चर था तो उसके बाद एक हस्बैंड वाइफ और एक छोटी बच्ची थी उनके साथ में, बहुत खुश दिख रही थी, तो वो आए और उन्होंने मिले और कहा कि हम आपके काफ़ी समय से लेक्चर अटेंड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ सत्संग लोग आते हैं 20 साल से आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, तो हम 20 साल से आ रहे हैं आपके यहाँ और लेक्चर सुनते हैं आपका, और हम लोगों ने आपकी बातें बहुत अच्छे से पकड़ने की कोशिश करते हैं, और हमारी बच्ची तो बचपन से आती है हमारे साथ, ये सुनती है और ये हमेशा खुश रहती है, आपकी बातें सीखी हैं इसमें। तो पूछते हैं उससे, बेटा क्या आप हर समय खुश रहते हो? तो कहती है हाँ श्योर, आई एम ऑलवेज हैप्पी। तो उससे पूछा इन्होंने, तुमको क्या खुशी देता है, क्या खुश करता है तुमको? कहती है वेल आई डोंट नो बट आई एम जस्ट हैप्पी, मुझे नहीं पता मैं क्यों खुश रहती हूँ पर मैं खुश रहती हूँ। छोटी है ना, अभी 6-7 साल का बच्चा कोई बहुत दिमाग वाला जवाब तो दे नहीं पाएगा। तो पूछता है कि कुछ तो होगा जो तुमको खुश रखता होगा, कुछ तो होगा जो तुम खुश रहती होगी, कोई तो कारण होगा। तो सोच कर कहती है, हो सकता है मुझे स्कूल अपना बहुत अच्छा लगता है, मेरे क्लास के बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उनके साथ खूब खेलती हूँ, मैं अपने टीचर्स को बहुत पसंद करती हूँ, मेरे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और मुझे चर्च जाना बहुत अच्छा लगता है, जैसे हमारे यहाँ बच्चा का मंदिर जाना बहुत अच्छा लगता है, चर्च में संडे को इनके प्रेयर मीटिंग होती है ना, तो मैं संडे को प्रेयर मीटिंग में जाती हूँ, जैसे हमारे यहाँ हम कहें हम मंडे को इवनिंग में क्लास में जाते हैं, ये वाली ऐसे। हाँ एक ही बात है, आपको तो आपके ऊपर है, कुछ भी बोल सकते हो जो आपको जो पसंद है। गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक दुखिया सब संसार, और बड़ी बड़ी कंपनीज़ में लोग वो भी देखते हैं दुखी हैं, जहाँ भी कोई है, जहाँ भी है, दिल्ली में है, जहाँ है, बम्बई में है, अलीगढ़ में है, गांव में है, परेशानियाँ सबको हैं, दुख सबको हैं। अमेरिका में कंपैरेटिवली परेशानियाँ कम हैं, लेकिन मन से वो लोग भी सब दुखी हैं। वहाँ बाहर के सुख ज़्यादा हैं, बाहर की सुविधाएं ज़्यादा हैं, हर आदमी अपने मन से चल सकता है, लेकिन अपने ही मन के कारण वो भी दुखी है। साइकेट्रिस्ट जो हैं वो अमेरिका में ज़्यादा हैं, इंडिया में बहुत कम है। मानसिक बीमारियाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसा लोगों से सुनते रहते हैं, बात करते रहते हैं, तो ये अनुभव मिलता है कि नानक दुखिया सब संसार, सब दुखी हैं, राजा भी दुखिया, प्रजा भी दुखिया, राजा भी दुखी है और जो लोग हैं संसार में वो भी सब दुखी हैं। अब तो सुखी कौन है प्रश्न उठता है। सोई सुखिया जिस नाम आधार, जिसको भगवान का आधार है बस वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। जो भगवान से जुड़ा है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है। अब भगवान से जुड़ने का क्या तरीका है? भगवान को तो सभी लोग मानते हैं, किसी भी जाति का हो, किसी कौम का हो, किसी मज़हब का हो, सब भगवान को मानते हैं। भगवान का ये नाम शब्द अलग अलग हो जाते हैं, कोई किसी नाम से कहता है, कोई किसी नाम से कहता है, लेकिन वो जो परम सत्ता है, सुप्रीम पावर जो है, उसको सब मानते हैं। भाषा और शब्द का फर्क हो जाता है। उसको जब हम मानते हैं, उससे जब हम जुड़ जाते हैं, तब जीवन में कुछ खुशी महसूस होती है, शांति। एक तो शांति बहुत महसूस होती है, जिस शांति की तलाश में दुनिया भटक रही है वो शांति हमको भगवान में ही मिलती है। भगवान को याद करने का क्या तरीका है? प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना की जाए, बात की जाए उनसे,
उनके प्रति समर्पित हुआ जाए। भगवान, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है, सारी ताकत आपकी है, सब कुछ कराने वाले आप हैं, दिखते नहीं हैं आप, पर ताकत आपकी है, सत्ता आपकी है, पावर आपकी है, एनर्जी आपकी है। किसी दिन कोई व्यक्ति हाई फील करता है, किसी दिन कोई लो फील करता है। एक किस्से है कि कभी एनर्जी ज़्यादा महसूस होती है, कभी कम। खाते हम उतना ही हैं रोज़, सब कुछ वैसा ही है। तो इसमें सारी जो सत्ता है वो परमात्मा की होती है, भगवान की होती है। उन्हीं की सत्ता से, उन्हीं की एनर्जी से हम एनर्जी लेते हैं। हम सबको एनर्जी उन्हीं से आती है। खाने से जो आती है वो तो एक अलग है, वो तो सबको नॉर्मल जैसा है वैसा है। पर जो एक डिवाइन एनर्जी है वो उनसे ही मिलती है, जिससे हम अच्छे कार्य कर पाते हैं। उनका नाम लेने से हम उनसे जुड़ते हैं, उनका नाम लेने से जुड़ते हैं। एक हमारी एनर्जी खराब होती है, कम होती है, बहती है, नीचे को जाती है, जब हमारी थिंकिंग निगेटिव होती है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं अपने बारे में, हम मोटे हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, या गरीब नहीं है तो हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उतना नहीं है जितना होना चाहिए, अकल तो हमारे बहुत ज़्यादा है पर पैसा उतना नहीं है, अकलमंद तो हम सब बहुत हैं पर पैसा उतना नहीं है जितना होना चाहिए, हमने किया क्या है, जितना है उसको तो पीछे कर दिया है, जितना पैसा है उसको तो खर्च करो, नहीं वो तो छुपा दिया, पीछे कर दिया, मतलब बैंक में डाल दिया, लॉकर में डाल दिया, कहीं कुछ कर दिया, लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, फंसा दिया। अब चाहते हैं और पैसा। भगवान कहते हैं जितना मैंने दिया है तुमको उतना तो खर्च करो। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास पैसा बिल्कुल नहीं है। ठीक बात है, काम कैसे चलता है, वो काम सब चल जाते हैं, काम कोई नहीं रुकता है, तो इसका मतलब कोई सत्ता है ना जो काम चला रही है, कोई है ना और जो करता है मुश्किल हमारी दूर, कोई तो है जिसके आगे आदमी है मजबूर। तो वो जो सुप्रीम पावर है, उनके हाथ में ताकत है, वो कराते हैं, वो सब करते हैं, तो उनके हम समर्पित हो जाएं। हम बूढ़े नहीं होना चाहते, हम यहाँ नहीं रहना चाहते, जहाँ रहता है आदमी वहाँ कहता है यहाँ ज़्यादा मज़ा नहीं है, दिल्ली चलो, गुड़गांव चलो, बेंगलोर चलो, ऐसे नई नई जगह खोजता रहता है। सिटीज़ भी बदलती रहती हैं, पहले एक समय था दिल्ली के पास गुड़गांव, तो गुड़गांव का बोलबाला हो गया, नोएडा तो ठीक ठीक रहा है शुरू से, मीडियम उसमें रहा है नोएडा, गुड़गांव बहुत गुड़गांव गुड़गांव, अब गुड़गांव का भी ठप हो गया, अब सबको बेंगलोर बेंगलोर बेंगलोर, इतनी भीड़ हो गई है बेंगलोर में, जैसे दिल्ली में ट्रैफिक जैम होते हैं ऐसे बेंगलोर में ट्रैफिक जैम सारा टाइम, ऑफिस आवर्स में रास्ता ही नहीं मिलता निकलने को, डेढ़ डेढ़ घंटा लगता है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, बेंगलोर बेंगलोर। एक बार मैसूर भी थोड़ा हुआ था, हैदराबाद, यही सब फैशन कपड़े का जैसे चलता है ऐसे सिटीज़ का भी चलता है। तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। कहाँ जाओगे, वहाँ। अब वहाँ और यहाँ शांति तो मन की होती है, मन में शांति है तो सब जगह शांति है, मन में शांति, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे बोलते हैं ना। हमारे घर में जो टब है प्लास्टिक का, उसमें पानी भरा है, वो गंगा जल है, मतलब उदाहरण ले रहे हैं, ये कहावत जो है मन चंगा तो कठौती में गंगा, कठौती वो एक टब, पहले उसके बने होते थे मिट्टी के, उसको कठौती कहते थे। मानने की बात है, मन की बात है सारी। मैं इस जॉब में नहीं रहना चाहता, कोई नया जॉब चाहिए, इस कंपनी को छोड़ कर तो जहाँ भी जाओगे ना बढ़िया ही कंपनी मिलेगी, ऐसे लोग सोचते रहते हैं। अपने जहाँ होते हैं वहाँ उन्हें पसंद नहीं आता, उनको नई जगह चाहिए। मेरी नाक अच्छी नहीं है, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, मेरी बॉडी की शेप अच्छी नहीं है, कुछ कुछ कुछ, आई डोंट वॉन्ट टू बी लोनली, मैं अकेला नहीं होना चाहता, अकेला नहीं रहना चाहता,
आई डोंट वॉन्ट टू बी अनहैप्पी, मैं दुखी नहीं होना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू बी सिक, मैं बीमार नहीं होना चाहता. ऐसे बोलते रहते हैं हम कुछ 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 कुछ. हमारे साथ प्रॉब्लम्स हैं, मैं बड़ा दुखी हूँ, शरीर में एक बीमारी है, पीछा ही नहीं छोड़ती है, पता नहीं मेरे ही समस्या क्यों रहती है, मेरा ही शरीर क्यों ख़राब है, मुझे ही क्यों प्रॉब्लम है, मैं ही क्यों बीमार हूँ, मेरे ही क्यों दिक्कत है, ऐसे सोचते रहते. विचारकों ने कहा आप जो सोचोगे वो एक्सपीरियंस करोगे. एक दो माता जी हमारे सत्संग में थोड़ा बीमार रहती हैं, वो ध्यान देंगे. ऐसे ना किसी की तरफ कहना नहीं चाहिए, नाम भी नहीं लेना चाहिए, किसी की तरफ इशारा भी नहीं करना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं कहना चाहिए ये कि ये कि ये, ऐसे नहीं. एक जनरल बात है सबको समझने की है, जब हम एक ही बात को रिपीट करते रहते हैं, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, या माता जी कहेंगी हमारे पति बहुत बीमार रहते हैं, हमारे पति बहुत, एक रिकॉर्ड घूम रहा है ना, रिकॉर्ड चल रहा है, सीडी चल रही है, आप सीडी बोलेंगे चलिए रिकॉर्ड छोड़िए सीडी, अब सीडी कंप्यूटर में चल रही है तो एक ही चीज़ दिखाती रहेगी वो बार बार. मान लीजिए एक फाइल फोल्डर पड़ा है उसमें, और उसमें कुछ गाने हैं, एक ही गाना है, मान लीजिए वो एक ही गाना बजता रहेगा, क्यों उसमें है ही एक ही गाना, वो एक ही गाना बजता रहेगा. तो एक ही गाना हमारा बजता रहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी तो क्या होता है, बॉडी सुनती रहती है, माइंड सुनता रहता है, बॉडी सुनती रहती है, तो तबीयत ठीक ही नहीं रहती उसकी. तो आप पूछेंगे, सवाल उठ सकता है, तो क्या ये कहने से कि मेरी तबीयत ठीक रहती है तबीयत ठीक हो जाएगी? आप करके देखो, पूछ क्यों रहे हो, पूछो नहीं, करके देखो. महीना, दो महीना, छः महीना आप बोलते रहो अपने से, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ. एक जने सीढ़ी नहीं चढ़ पाते थे, तो एक बार मजबूरी फंस गई, उनको ऊपर आना था, हम तो नीचे आ नहीं रहे थे, वो आ गए ऊपर, पर पता नहीं कैसे आ गए तुम्हें पता नहीं कैसे आ गए, पैरों से आए हो अपने, तुम्हारे पैर तुम्हें लेकर आए हैं, तुमने एक सोच बना रखी है मुझसे चढ़ा नहीं जाता, सीढ़ी नहीं चढ़ी जाती, एक सोच बना ली. कभी कभी मेरे भी घुटने में दर्द होता है, ध्यान नहीं देता मैं, तो अपने जब ऊपर चढ़ने लगता हूँ तो दर्द होता है, तो फिर मुझे, मैं अपने से कहता हूँ नहीं बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चढ़ो आराम से. ध्यान हटाया वहाँ से, कुछ और सोचने लगते हैं, कुछ और सोचने लगते हैं तो चढ़ जाते हैं आराम से. अब किसी को चढ़ के ऊपर जाना हो, गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है, मानो ऐसे भाव आ जाए तो चढ़ जाएंगे, एकदम एकदम चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सारी दिक्कत, सारी गड़बड़ी यहाँ है, हम बीमार हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हमारे बाल काले नहीं हैं. अब काले बाल का क्या करोगे, बाकी सोचते रहोगे मेरे बाल काले हैं तो वो भी काले हो जाएंगे. जैसा चाहते हो वैसा सोचो, वैसे हो जाओगे. मुझे कोई प्यार नहीं करता, एक ये बड़ी बीमारी है लोगों को, मुझे कोई प्यार नहीं करता. जो लोग सत्संग में नहीं आते, आप उनसे पूछो अपने बारे में कुछ बताएं, वो तो सबसे पहला उनका डायलॉग होता है मुझे कोई प्यार नहीं करता. बच्चों से पूछिए आप, 13-14 साल के, 15 साल के बच्चे, तुम्हारे घर में कैसे है, क्या है, स्कूल में कैसा है, क्या है, सारी बातों का निष्कर्ष निकल के आएगा मुझे कोई प्यार नहीं करता. पता नहीं हम खुश नहीं रहते, ये डायलॉग होता है कुछ लोगों का, पता नहीं हम खुश नहीं रहते, खुश नहीं रह पाते, समस्याएं लगी रहती हैं, जीवन बेकार है, ये सब सोच है. उन्हीं हालतों में कोई खुश रहता है, उन्हीं हालतों में कोई दुखी रहता है. तो मन में विचार देना है कि जिस जगह हम रहते हैं वो बहुत अच्छी है, हम बूढ़े नहीं हैं, हम स्वस्थ हैं, खुश हैं, मोटे नहीं हैं, ठीक हैं बिल्कुल, जैसे भगवान ने बनाया है वैसे हम हैं, खुशहाल हैं. हमारा शरीर जिसके बारे में हम सोचते हैं, नाक अच्छी नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, चेहरा अच्छा नहीं है, बॉडी की शेप अच्छी नहीं है, कुछ 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 बोलते रहते हैं, सब बिल्कुल ठीक है, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा है. ये विचार है जो अपने को देंगे तो बाद में आप पाएंगे कि आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा और अच्छा होता जाएगा पहले से. जो लोग सोचते हैं हमारे पास काफ़ी पैसा है, उनको काफ़ी पैसा महसूस होता है और कोई काम उनका रुकता नहीं है, जब कोई काम आता है तो वो काम हो जाता है.
कुछ लोग कहते हैं आई हेट माई जॉब, मुझे अपना काम अच्छा नहीं लगता, कारोबार नहीं अच्छा लगता है, नौकरी अच्छी नहीं लगती है, जो काम हम करते, क्या घर का ही काम करते रहो सारा टाइम। ये सब ना मन की बातें हैं, मन खराब हो जाता। मन खुश रहे तो सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। अगर अगर हम अपना माल बेचना चाहते हैं, किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, किसी की गुड बुक्स में आना चाहते हैं, कोई हमसे खुश हो जाए, कोई हमसे प्रेम माने, मतलब दूसरे को किसी तरह हम खुश करना चाहते हैं, हमको पसंद करे ऐसा चाहते हैं, हमारी बात मान ले ऐसा चाहते हैं, तो क्या करना होगा? टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल, उसके टर्म्स में बात करनी पड़ेगी, उसको क्या पसंद है। जब हम ये बात करते हैं कि उसको क्या पसंद है, तो वो हमारे साथ बात करना पसंद करने लगता है। हमारे साथ क्यों बात करे कोई, मानो कोई भी है, तुम में से कोई भी है, मैं क्यों बात करूं किसी से? जब कोई आया बोला आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, नहीं एक मिनट क्या बात है, क्यों? ध्यान गया ना, ध्यान गया, उसके बाद उसने वो बात बताई जो वाकई में अच्छी लग रही है। हाँ ठीक है, मैंने ठीक, और तुम कैसे हो? एकदम से हम रिस्पॉन्ड करेंगे तो हम तो अच्छे हैं और ये और वो, जो वो अपने बात जो भी कहेगा। तो हम कोई भी है, अगर वो हमारे टर्म्स में बात करेगा तो हम खुश होंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं कुछ इंग्लिश के शब्द, मुझे मजबूरी होती है, पहले ही मैंने बताया है, मुझे यूज़ करने पड़ते हैं, तो आप उनको समझो, नहीं समझते हो तो कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहे हैं, तो उससे समझ में आ जाता है कि क्या कह रहे हैं। रिस्पॉन्ड मतलब तुमने जवाब दिया, मैंने कुछ बोला तो तुमने उसका जवाब दिया, तुम इंटरेस्टेड हुए मेरे से बात करने में, तुम्हारा दिल हुआ मेरे से बात करने का, ये हुआ रिस्पॉन्ड करना। तो हम चाहते हैं लोग हमसे बात करें, लोग हमें पसंद करें, ऐसा हम सब चाहते हैं, लेकिन उनके टर्म्स में बात करना हमको नहीं आता है, हम अपनी तरह से ही बात करते हैं, मैं ये मैं वो, तो उसको पसंद नहीं आता किसी को, यार हो गए तुम, चलो यार आगे बढ़ो, है ना। क्यों बात करे कोई हमसे, क्यों पसंद करे कोई हमें, हमने ऐसा क्या किया है कि वो हमें पसंद करे, हमने ऐसी कौन सी बात कही है कि वो हमारी बात में इंटरेस्टेड हो, कोई हमारी बात सुनकर खुश हो, क्यों कैसे किस लिए, क्या हमने ऐसी बात की जिसको सुनकर वो खुश हो? आदमी कब खुश होता है देखना, कभी कभी भी देखना कब खुश होता है, जब उसके टर्म्स में बात की जाती है, वो क्या चाहता है, जैसे फ़ोन का उदाहरण लिया ना, हम क्या चाहते हैं, हमारे पास कौन सा फ़ोन है, मेरे को ये फ़ोन बेचना है, अगला बोलता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ यार, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को वो वाला चाहिए। गाड़ी में कितना ही कहूँ, बी इंडियन बाय इंडियन, पहले हिंदुस्तान मोटर्स की गाड़ी आती थी एम्बेसडर, वो आनी धीरे धीरे बंद सी हो गई, वो कंपनी बंद सी हो गई, बिरलास की थी, हिंदुस्तानी गाड़ी थी वो, अब वो दिल्ली में तो नेताओं के पास सब वही हुआ करती थी, पर धीरे धीरे समय बदला, संजय गांधी इसको लाया, सुजुकी को, आधी पार्टनरशिप, आधी से ज़्यादा इंडियन, बाकी जैपनीज़, गाड़ी बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी चली, लोगों ने बहुत पसंद की। उसके बाद ये हुंडई उडई दुनिया भर की, ये होंडा और फलानी और बहुत तरह की, वॉक्स वैगन, बी एम डब्ल्यू, मर्सिडीज़, बेंटले, बहुत तरह तरह की गाड़ियाँ बहुत आ गई इंडिया में, फोर्ड। अब मारुति सुजुकी थोड़ा सा पीछे हो गया उसका नंबर। मैं कितने ही कहूँ इंडियन गाड़ी है ये लो, कम से कम आधा पैसा तो इंडिया में रहता है, एक गाड़ी जो खरीदी जाती है वो तो सारा फॉरेन चला जाता है, देश का नुकसान होता है, देश की करेंसी बाहर जाती है। नहीं समझ में आता लोगों के, मेरे कहने से क्या होता है, उनको क्या पसंद है, वो तो वही गाड़ी खरीदेंगे, उनको शेवरली पसंद है तो शेवरली खरीदेंगे, वो क्यों मेरी सुनेंगे। तो जैसे बताया ना, फ़ोन कौन सा चाहिए था उसको, ये वाला, अच्छा जी ठीक है, तीन मॉडल ला के रख दिए उसी के आगे पीछे के, अब आप पसंद कर लीजिए, अब हैं, ऐसे होता है ना। तो किसी को भी
हम चाहते हैं कि वो हमें पसंद करे उसकी तरह से, हाँ उसकी भाषा में कह लीजिए, भाषा तो सबकी एक है हमारी, उसकी तरह से, वो क्या चाहता है उस तरह से बात करें, तो वो हमको पसंद करने लगेगा इंस्टेंटली, उसी समय। एक होता है गुड लिसनर, सुनता है बात। एक कभी टीचर ने बताया कि मैं दूसरे स्कूल में गई इंटरव्यू देने, तो मैंने इंटरव्यू दिया, ठीक है, मैं बाहर आके बैठ गई, तो एक दूसरी एक टीचर आई, तो वो शुरू हो गई अपनी बात लेकर, मेरे ये है, मेरे ये है, मेरे शरीर में यहाँ दर्द है, मेरे ये तकलीफ़ है, मैं फलाने ये, मैं वहाँ पढ़ी, मैं फिर मैं वहाँ नौकरी की, फिर मैंने ये किया वो किया। अरे भैया कोई नया, मैं तो बिल्कुल हम कौन तुम कौन, चालू हो गई। लेकिन गुड लिसनर अगर कोई होता है ना, तो अगला उसको पसंद करने लगता है, तुम कब ज्वाइन कर रही हो हमारा स्कूल, तो प्रतिक्रिया होती है। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है कोई, तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं कि हमको जो ज्ञान गुरु से मिला है, समझ मिली है, सब कुछ सीखने को मिला है, तो उस गलती को तुरंत मान लेना चाहिए, आई एम सॉरी बोल देना चाहिए। ये हम सत्संग के दायरे की बात कर रहे हैं। संसार में सॉरी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी बोलने से अगला चढ़ के आता है और ये फील कराता है कि आप बिल्कुल गलत हो, तो संसार में ज़्यादा सॉरी नहीं बोलते, कभी कभी बोलते, कम बोलते। और मैनेजर लेवल पे, टॉप लेवल्स पे तो सॉरी बोला ही नहीं जाता है, वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि पहली बार तो गलती करो ही मत, और अगर कभी गलती हो जाए तो उसको छुपा जाओ या उसको बातों में बदल दो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सत्संग के दायरे में हमसे गलती हो जाए तो तुरंत मान लें। हरिजन तो हारा भला जीतन दे संसार। हरिजन अर्थात हरि का जन, भक्त तो हारा भला, वो हार मान ले अपनी, गलती मान ले तो बढ़िया, दैन्य भाव आ गया। जीतन दे संसार, संसार को चढ़ने दो, संसार को अहंकार करने दो, उसका अहंकार बढ़ने दो। जितना अहंकार बढ़ेगा तो उसका विनाश जल्दी आएगा। भगवान ने यही तो किया, कंस का अहंकार बढ़ने दिया पहले, वो चाहते तो पहले मार देते उसको भाई, 11 साल 8 महीने की उम्र में मारा तो और पहले मार सकते थे, तो भगवान ने पहले उसका अहंकार बढ़ने दिया, शिशुपाल का बढ़ने दिया अहंकार, गाली पे गाली। इतनी गर्मी में आ गया, ये जूडो कराटे वाले क्या करते हैं, सामने वाले अपोनेंट को गुस्से में आने देते हैं, गुस्से में आकर उसकी शक्ति कम हो जाती है। सामने जो फाइटर है उसको आप गुस्सा दिला दो। मैरी कॉम ने एक बार जो जीता है उसने क्या किया, फाइटर जो सामने वाली थी उसको गुस्सा दिला दिया, वो एंग्जाइटी में आ गई। एंग्जाइटी और गुस्से में आते ही जो फाइटर होता है उसकी ताकत कम हो जाती है, वो हड़बड़ी में उल्टे सीधे हाथ पैर चलाने लगता है, उसका उपयोग कर लिया जाता है, उसका यूज करके उसी की फोर्स को उसी के उल्टा उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर देते हैं। अगर जोर से भागा हुआ आएगा मारने के लिए, उसी का हाथ पकड़ के और खींच के आगे फेंक देंगे और पैर अपना अड़ा देंगे, वो धाड़ से जाके गिरता है, दांत पांच टूट जाते हैं। तो इसलिए भक्त को क्या है, उन्होंने कहा तुरंत गलती मान ले तो न गुस्से का कोई कारण रहेगा, न गुस्सा आएगा, न कोई हलचल होगी, न कोई परेशानी होगी, न कोई दिक्कत होगी, फटाफट अपनी गलती को मान लिया, हाँ गलती हो गई, दैन्य भाव आ गया। और दैन्य भाव जो है भक्त को चाहिए, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्या है, दैन्य भाव नहीं है उसमें, उसमें हवा भर दी जाती है और वो आसमान में उड़ने लगता है वो व्यक्ति। अब वो उसी तरह हो गया जैसे कि संतुलन खो देने वाला व्यक्ति गड़बड़ा जाता है, हालत परिस्थिति आती है एक और उसको बुरी तरह पटक देती है, तब वो सोचता रह जाता है कि मैं आत्मा ब्रह्म कैसे क्या हुआ। भक्ति में तो भगवान को पुकार लेगा, रो लेगा, ज्ञानी को तो बेचारे को रोना ही नहीं है, वो रो नहीं सकता, परेशान नहीं हो सकता, तो ज्ञान का लेप लगाते रहते हैं, ऐसा तो होना ही था, ये ऐसे है, ऐसे है, ये होनहार थी, नाटक मशीन बने पड़े हैं। ज्ञान को अप्लाई करता रहेगा, प्रारब्ध का ऐसा ही खेल बना पड़ा था, तो ज्ञान को अप्लाई करता रहेगा। अगर अप्लाई करते करते टूट जाएगा
तो गया खत्म, और नहीं टूटा करता रहा अप्लाई तो पार भी चला जाएगा। पर भक्ति में बहुत सरल है, भगवान का सहारा लेकर वो राइज करता जाएगा, गिरने के चांसेस नहीं है, दैन्य भाव में ही वो पार निकल जाएगा। ध्यान कैसे लगता है ये प्रश्न है। ध्यान लगने के लिए साधक सावधान होकर बैठ जाता है, मन को चलने से अपने को हटा लेता है, मन से नहीं मिलता है, अपने को हटा करके सावधान, सावधान क्या, मन से नहीं मिलना है, और बैठा रहता है, और म्यूजिक बजती है जैसे, या गुरु बोलते हैं तो उस पर अपने ध्यान को पूरा फोकस कर लेता है माइंड को, और बिल्कुल ढीला छोड़ देता है, शरणागत हो जाता है। ढीला छोड़कर जैसे ही बैठा रहता है अपने आप, अच्छा अब इसका उदाहरण लो, एक वो आता है पैड टाइप का एक पेपर आता है प्रिंटेड, उस पर आप ध्यान करते हो तो उसमें ओम का चित्र, फूल आगे पीछे, है ना, वो बन जाता है, तो ओम बन जाएगा, फूल जो है वो 3D बन जाता है, वो है फ्लैट, पर आँखों का ऐसा एडजस्टमेंट होता है, आँखें ऐसे हो जाती हैं कुछ इस तरह से कि वो 3D पिक्चर बन जाती है, एक ही फोटो में डेप्थ आ जाती है, कुछ आपको बंच ऑफ फ्लावर्स ऊपर दिखाई देंगे, कुछ बीच में, कुछ उसके बाद 4 लेयर 3 लेयर बन जाती हैं, आपको डेप्थ दिखाई देगी, गहराई। ऐसे ही ध्यान का, ये समझने के लिए था ध्यान क्या है। अब उदाहरण को ऐसे मत लेना, ये तो खाली एक बात समझाई हमने, उसको हटा दो। ध्यान है शरणागत होकर के, जब हम ध्यान में बैठ गए तो सारी बॉडी अकड़ जाती है और माइंड ब्लैंक हो जाता है, लगभग हो सकता है विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, पर वो साधक अपने को विचारों से अलग देख पाता है, जैसे उस 3D फोटोग्राफ से अलग हम देख रहे हैं अपने को, तो साधक अपने को विचारों से अलग देख पाता है और बैठा रहता है, ये ध्यान है। इसकी फिर अवस्थाएं बहुत सारी, प्रारंभिक ध्यान का बता दिया तुम्हें, इसके बाद अपने आप वो उस जोन में जब आप चले जाओगे भगवान के, अब वो भगवान के जो मास्टर्स हैं वहाँ अवेलेबल, वो आपको ले जाएंगे और आगे आगे आगे, फिर आपका कंट्रोल ख़त्म, आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, आपकी बॉडी पर नहीं रहेगा, आपके माइंड पर नहीं रहेगा, सारे कंट्रोल्स ख़त्म आपके, और आप बैठे के बैठे रह जाओगे। फिर जब ध्यान टूटेगा तो आप वापस आ जाओगे इसी यहीं पर। उस ध्यान की अवस्था में हो सकता है आप मार्स पे चले जाओ, आप जुपिटर पे चले जाओ, सेकंड्स में। इसमें एरोप्लेन में जाने के लिए कई साल लगते हैं, सालों लग जाते हैं, वो आप सेकंड में पहुंच जाओगे, सन पे पहुंच जाओगे, आपसे तो आग दिख रही है आपको, जो सन का आपने कभी फोटो वीडियो में देखा हो वो आप प्रत्यक्ष देखोगे वहाँ पर, एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं इसको। तो ध्यान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप पास्ट लाइफ में चले जाओगे, कुछ भी कई सारी चीज़ें हो सकती, क्या हो सकती हैं वो कोई गारंटी किसी बात की नहीं है, सब भगवान के हाथ। और ध्यान में सबसे पहले गुरु को नमन करते हैं, पूरा बैठकर माथे को ज़मीन से लगाते हैं पूरा कंप्लीट, और फिर बैठ जाते हैं, तो शरणागति से ध्यान बहुत जल्दी लगता है। बच्चों का तो बहुत ही जल्दी ध्यान लगता है, 20-25 साल से कम की उम्र हो तो फटाफट ध्यान लगता है, कई साल लगते हैं स्थिति बनने में, कई साल तक हमारा माइंड बचपन से ट्रेन हो गया संसारी, और उसके इमोशनल फीलिंग्स सेट हो गई, कोई डांटे तो रो, कोई हालत परिस्थिति आ जाए तो घबरा जाओ, हमने यही देखा अपने माँ बाप को, बड़ों को, तो सेम रिएक्शंस हम करते रहते हैं। जब हम गुरु के पास आते हैं तो बिल्कुल फर्क बात बता रहे होते हैं हमको, जो सुनने में हमको बहुत अच्छी लगती है, और हम चाहते हैं हम ऐसे बन जाए, कितनी बढ़िया बातें बताते हैं, और हम चाहते हैं हम ऐसे बन जाए। जब हमको गुरु से शुरू में वाणी मिली, प्रमला जी आते थे तो हमको बिल्कुल ही लगता था, हम उनसे लगे ही रहते थे, उनके पीछे, उनको गाड़ी में ले जा, ये कर वो कर, उनको जो चाहिए उनको जो कर, उनको खुश करने में लगे रहते थे कि हमारी स्थिति बन जाए। तो मैंने प्रश्न करा उनसे कि आपके कहने से
बिल्कुल भाव बन रहा है। और मान लीजिए हम, आपने बताया कि दहलीज को पार करना, तो हम पहुंच गए सीढ़ियां से चढ़ चढ़ के, तो आखिरी सीढ़ी रह गई, तो क्या फिर कैसे होगा? बोले वो हम धक्का दे देंगे। तो इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत साल लगते हैं, यंग एज से हम आ गए थे, आप लोगों से थोड़े बड़े थे, पर जब मिला भगवान जी ने जब ज्ञान दिया, तो हम 29 में आ गए थे सत्संग में। 28 में पहली बार हमने वाणी सुनी थी, तुम्हारे बराबर वाणी सुनी थी गीता भगवान की, और 31 ईयर्स की एज में सत्संग में लग गए थे।